हेलो फ्रेंड्स, मैं आभा खत्री। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए एक न्यू स्वीट की रेसिपी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने तो जा रही हूँ कोकोनट के लड्डू, लेकिन इसमें मैंने एक चॉकलेट फ्लेवर दिया है, इसलिए इसका नाम मैंने दिया है चॉकलेट कोकोनट लड्डू, जो बनाने में बहुत ही ईजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। और वैसे भी घर की मिठाइयों की तो बात ही क्या, तो आप भी चॉकलेट कोकोनट लड्डू को ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स मुझे जरूर दीजिए फ्रेंड्स। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम बनाते हैं चॉकलेट कोकोनट लड्डू। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट कोकोनट लड्डू। उसके लिए हमें चाहिए मिल्क। मिल्क मैंने 1/2 लीटर लिया है। फिर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, ये मैंने 500 ग्राम लिया है। अगर 1/2 लीटर मिल्क लो तो 500 ग्राम कोकोनट लेना है, यही इसका सही नाप है। फिर मैंने मिल्क पाउडर लिया है लगभग 2 टेबल स्पून। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए इसे ऐड किया है मैंने। आप इसकी जगह थोड़ा सा मावा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने कोको पाउडर लिया है 2 से 3 टेबल स्पून। फिर मैंने शुगर लिए 1 बाउल, क्योंकि मैंने मिल्क पाउडर लिया है वो थोड़ा स्वीट होता है, इसलिए मैंने 1 बाउल शुगर ली है। आप इसमें शुगर कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं फ्रेंड्स। लड्डू बनाने के लिए हमें इस तरह का एक ब्रॉड पैन ही लेना है, जो तले से भी थोड़ा जाड़ा हो, इसलिए मैंने ये पैन लिया है। इसमें अब इसमें हम मिल्क डाल देंगे पहले। और मिल्क में 2 से 3 उबाल आए तब तक हमें इसे इस तरह से चलाते रहना है, इसीलिए हमने थोड़ा जाड़े पैंदे की कढ़ाई ली है ताकि मिल्क हमारा चिपके नहीं। अब आप देख सकते हैं दूध में 2 से 3 उबाले आ चुके हैं, इसमें मलाई भी जम रही है। आप देख सकते हैं दूध अच्छा हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब इस टाइम पे हम इसमें कोकोनट डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे मिक्स करते रहना है। इस टाइम पे हमें इसकी फ्लेम एकदम स्लो कर देनी है। सारा कोकोनट मैं इसमें डाल दूंगी, इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। बचा हुआ कोकोनट भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, मिक्स कर लेंगे हम। आप देख सकते हैं हमारा लड्डू का मिश्रण थोड़ा ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी हम इसमें शुगर डालेंगे तो शुगर भी अपना पानी छोड़ेगी और ये मिश्रण थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगा। कोकोनट और मिल्क को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम इसी टाइम पे मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर भी हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, क्योंकि उसमें लम्प्स नहीं आना चाहिए। मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर से लड्डू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बचा हुआ मिल्क पाउडर भी ऐड कर दूंगी मैं। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब ये मिश्रण जब अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसमें हम इसी टाइम पे शुगर ऐड कर देंगे। फिर से इस मिश्रण को मिक्स कर लेंगे हम। अब जैसे जैसे शुगर इसमें मेल्ट होती जाएगी, ये मिश्रण थोड़ा सा लूज होता जाएगा। ये काम हमें एकदम स्लो आंच पे ही करना है। आप देख रहे हैं जिस तरह से मेल्ट हो रही है शुगर और हमारा मिश्रण थोड़ा लिक्विड होता जा रहा है। इसे इसी तरह से मिलाते रहना है हमें जब तक हमारी शुगर पूरी तरह से मेल्ट हो जाए। अब आप देख सकते हैं मैंने इसे 5 से 7 मिनट चलाया है, तब तक ये मिश्रण थोड़ा हमारा गट्ठ हो गया है और हमारी शुगर भी मेल्ट हो चुकी है अच्छे से। हमारा मिश्रण लड्डू बनाने लायक हुआ है या नहीं, ये पता करने के लिए हमें मिश्रण को इस तरह से एक जगह इकट्ठा कर लेना है और फिर उसमें हमें इस तरह से स्पून लगा के देखना है। अगर हमारा स्पून नहीं गिरता है, इट मीन्स हमारा मिक्सचर लड्डू बांधने के लिए रेडी है। लेकिन अभी मैं इस मिश्रण को इस कढ़ाई में ही रहने दूंगी थोड़ी देर, और उसे 5 से 7 मिनट हो जाए तब तक इसे इसी में ठंडा होने दूंगी, क्योंकि हमें इसके चॉकलेट लड्डू बनाना है। अब आप देख सकते हैं हमारा लड्डू का मिश्रण ठंडा हो चुका है। मैंने इसे इस तरह से 2 बाउल में ले लिया है। थोड़े में सादे लड्डू बनाऊंगी और थोड़े में चॉकलेट वाले बनाऊंगी। तो जो मुझे सादा बनाना है उसे मैं साइड में रख देती हूँ, और जो मुझे चॉकलेट वाले लड्डू बनाना है उसमें मैं थोड़ा कोको पाउडर ऐड कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा करके इसे ऐड करना है और मिक्स करते जाना है, क्योंकि पूरे मिश्रण में मिक्स होना चाहिए अच्छे से।
ये कहीं मिक्स होगा कहीं है मिक्स ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसे अपने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, पूरा मिश्रण हमारा एक जैसा हो गया है। ये हमारा चॉकलेट लड्डू का मिश्रण रेडी है और ये सादे वादे लड्डू का मिश्रण रेडी है। अब आप देख सकते हैं मैंने दोनों लड्डुओं का मिश्रण ले लिया है। कुछ मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है एक बाउल में और थोड़ा सी मैंने चॉकलेट बॉल ली है। तो अब हम पहले सादे वाले लड्डू बना लेंगे। उसके लिए थोड़ा थोड़ा मिश्रण हमें लेना है, जिस साइज़ के भी हमें लड्डू बनाना हो उतना मिश्रण हम हाथों में ले लेंगे। इसे अच्छी तरह से लड्डू बना लेंगे दोनों हाथों की मदद से। इस तरह से देखिए मैंने इस साइज़ का लड्डू बनाया है। अब इसे हम ये चॉकलेट वाली जो बॉल्स है उसमें कोट कर देंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी बॉल हमें कोट कर देनी है इसके ऊपर। देखिए लड्डू कितना अच्छा दिख रहा है। इस तरह से हमें सादे वाला लड्डू तैयार कर लेना है। और अब हम चॉकलेट वाला मिश्रण लेंगे चॉकलेट वाले लड्डू बनाने के लिए। वो भी आपको जो साइज़ का बनाना हो वो ले लेंगे आप। इस तरह से लड्डू बना लेंगे और इसे मैं कोकोनट से कोट कर दूंगी। इस तरह से देखिए लड्डू भी दिखने में कितने अच्छे दिख रहे हैं। इस तरह से मैं सारे चॉकलेट वाले और सादे लड्डू तैयार कर लूंगी। आप अलग अलग तरह से इसका डेकोरेशन कर सकते हैं। कुछ लड्डू को आप इस तरह से चॉकलेट वाला भी रख सकते हैं ओनली डार्क। देखिए इस तरह से ये ऐसे भी अच्छा लगता है। तो देखिए हम इस तरह से सारे लड्डू तैयार कर लेंगे और इसे सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स रेडी है हमारे वेरी यमी चॉकलेट कोकोनट लड्डू। तो आप भी इस लड्डू को जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।